हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का ये वीडियो होने वाला है हमारा टाउन हॉल 12 की पैक का स्मैश अटैक स्ट्रेटजी के बारे में। तो आओ यार शुरू करते हैं। तो ये है पूरी आर्मी, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगी। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों के पास मास पैक का है, हम लोगों को डायरेक्टली सारे के सारे पैक का ले जाने पड़ेंगे यहाँ पे टाउन हॉल के बीच में, मतलब कि कोर के अंदर, एंड वहाँ पे हम लोग रेज करेंगे एंड पैक का सारी की सारी वैल्यू निकाल लेंगे। बट सबसे पहले हम लोगों को क्या करवाना पड़ेगा, पैक का अंदर ले जाने के लिए हम लोगों को दो तरीके से फनलिंग करवानी पड़ेगी, एंड फनलिंग में एक हम लोग करेंगे वार्डन वॉक, दूसरी साइड करेंगे फ्लेम फिंगर। तो यहाँ पे देख लो 9 o'clock पे हम लोगों को डालना पड़ेगा वार्डन वॉक, एंड उसको हम लोगों को यहाँ पे वाली इतनी सारी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एंड नीचे की साइड 6 o'clock पे हमारा आएगा फ्लेम फिंगर, एंड उसको यहाँ पे इतनी सारी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एंड अगर ये वाला दोनों ही पार्ट अगर फनलिंग अच्छे से हो जाता है तो हमारा पैक का स्मैश है वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, एंड हम लोग उसको यहाँ पे बेस में दो जंप स्पेल लिए वो जंप स्पेल भी डालेंगे। पैक को अगर कोर में आते हैं तो हम लोग रेज भी करेंगे, एंड वार्डन की एबिलिटी देते ही हम लोगों को यहाँ बहुत सारी वैल्यू मिल सकती है। सबसे पहले हम लोगों को करना है यहाँ पे देख लो 9 o'clock पे एंड 6 o'clock पे, तो डायरेक्टली देख लो यहाँ पे आ गया फ्लेम फिंगर एंड यहाँ पे वार्डन। एक एक कोकोलून छोड़ा है ताकि यहाँ पे कोई अगर टेस्ला हो या फिर एयरमाइन हो तो यहाँ पे हिलर को दिक्कत ना देगा। एंड चलो यहाँ पे वार्डन वर्क भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। फ्लेम फिंगर नीचे की साइड देख लो वार्डन को अभी डाउन कर देगा। एक जो वॉल ब्रेकर था वो हम लोगों ने यहाँ पे कॉर में डाल दिया था। देखो भाई हम लोगों को पेक्का को वहीं से ले जाने वाले, तो चलो यहाँ पे हमारा बहुत सारी अच्छी से फनलिंग हो चुकी है। अभी बस थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे देख लो जो यहाँ पे फ्लेम फिंगर है वो डायरेक्ट वीजा टावर पे आ जाएगा। अभी हम लोगों को यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा आई थिंक हमारा पेक्का स्मैश। तो नीचे से सारे के सारे पेक्का बॉलर्स हीरोज सारे के सारे आगे, एंड अभी बस वेट करना है कि ये जो वार्डन है वो डायरेक्ट यहाँ पे सारे के सारे ओरा के अंदर उसके ट्रूप्स आ जाए। एंड ओके चलो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ग्रेज डाल दिया था, एंड फिर जो जंप स्पेल था वो भी डाल दिया था, एंड यहाँ पे आ जाएगी हमारी वार्डन की एबिलिटी जैसे ही हम लोगों को सारे के सारे यहाँ पे इगल के हीट आएगी। एंड चलो भाई बहुत ही ओपी तरीके से यहाँ पे वैल्यू मिल चुकी है। हम लोगों को यहाँ पे मल्टी इन्फर्नो कॉइन यहाँ पे टाउन को फ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमारे बॉलर को वो दिक्कत देगा तो हमारे बॉलर्स मर सकते थे, तो हम लोग उसको फ्रीज कर दिया। अगेन उसको हम लोगों को फ्रीज करना पड़ेगा क्योंकि भाई सारे के सारे बॉलर्स हमारे वो खा जा सकता है। तो चलो यहाँ पे एक जम्प थी तो उसके इन्फर्नो के ऊपर आ गई, एंड हम लोगों ने जो फ्रीज थी वो अगेन यहाँ पे देख लो विजार्ड टावर था उसके ऊपर डाल दिया। बट थोड़ी बहुत उसकी गलती की मैंने वहाँ पे डाल के, अगर वहाँ पे नहीं डालता तो कोई और जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते थे। एंड ऊपर की साइड देखो कंपार्टमेंट में 4 डिफेंस है, वहाँ पे देखो 2 पैका गए तो 4 को 4 वो डिफेंस निकाल लेगा। एंड अभी भी हमारा फ्लेम फिंगर नीचे की साइड चल रहा है, तो जैसे यहाँ पे देख लो आर्चर्स के ऊपर वो आता है हम लोग उसको ब्रेक कर देंगे, क्योंकि भाई उसके अंदर हमारे पास सुपर होग राइडर है जो कि यहाँ पे जितने भी 3-4 डिफेंस बचे होंगे वो यहाँ पे क्लीनिंग कर लेंगे। तो यह पूरी प्लानिंग सेम ही प्लानिंग करना है हम लोग हर अटैक में, एंड ये वाला इजिली 3-4 यहाँ पे निकाल के दे देगा। तो यहाँ पे देख लो 2 यहाँ पे बचे थे डिफेंस, एक आर्चर टावर था एक कैनन था, तो नीचे के जो होक थे वो आई थिंक यहाँ पे आएंगे आर्चर्स टावर के ऊपर। एंड देख लो अभी सुपर होक का क्या है कि भाई अगर सुपर होक यहाँ पे मरते भी है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं होक, एंड यहाँ पे हमारा जो सुपर था वो क्या बोलते भाई उसको, एंड यस देख लो भाई निकल आया 3-star। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि देख लो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग जब भी यहाँ पे वार्डन वॉक एंड फ्लेम फिंगर को डिप्लॉय करो तो ये वाला एक यहाँ पे चीज ध्यान रखना कि बहुत ही पास अगर सिंगल टावर इन्फर्नो है बाहर की साइड तो वहां से वार्डन वॉक मत करना, वो पूरा ही फेल हो सकता है। एंड फ्लेम फिंगर के लिए यहाँ पे जो मोटर रखा होता है वो देखना कि मोटर जो एक्सपो होता है वो थोड़ा बहुत बेस के अंदर रखा होता है, एंड ये दोनों चीज आप देख लेंगे। एंड अगर अच्छे से यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे तो आपका वार्डन वॉक एंड फ्लेम फिंगर का दोनों का फनलिंग बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करवाने वाले हैं कि 11 o'clock से हमारा वार्डन का वॉक आ जाएगा, एंड यहाँ पे देख लो 1 o'clock से हमारा जो फ्लेम फिंगर है वो आ जाएगा। एंड दोनों की वैल्यू हमें मिलते ही हम लोग सारे के सारे जो मेन चीजें पैक का स्मैश एंड बॉलर्स हम लोग वो ऊपर की तरफ जो लेबोरेटरी है वहां से डिप्लॉय करवाएंगे, वो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे ईगल पे आएगी, वहां पे हम लोग जंप करवाएंगे, फिर से वो लोग यहाँ पे टाउन हॉल पे आएंगे। एंड वहां पे देख लो बहुत ही ओपी चीजें रखे हुए टाउन हॉल है, 4 एक्सपोज है, यहाँ पे मल्टी टारगेट इन्फर्नो भी है, तो वो सारी चीजें हम लोगों को जंप एंड रेज एंड पैक्का से निकालनी पड़ेगी, वार्डन एबिलिटी भी आएगी। तो सबसे पहले हम लोगों को एज यूजुअल जैसे करते यहाँ पे फ्लेम फिंगर एक बलून, देखो सेमी साइड यहाँ पे 11 o'clock पे एक वार्डन वॉक सारी की सारी हिलर्स, एंड यहाँ पे देख लो एक विजर्ड भी डाल दिया है, लून भी हम लोग डाल देंगे ताकि भाई अगर वहाँ पे कोई एयरमाइन निकली तो बच जाएगी। ऊपर की साइड देखो 2 वॉल ब्रेकर थे हमारे पास सुपर वॉल ब्रेकर, तो एक हमने ऊपर से डाल दिया, यहाँ पे आ गया लून। एंड नीचे इसकी साइड फनलिंग देखो भाई फ्लेम फिंगर ने उसका काम यहाँ पे कर दिया, बस हम लोगों को वहाँ पे उतना ही करना था।
एंड चलो वार्डन भी यहाँ पे देख लो, जैसे ये वाला यहाँ पे निकलते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लो हमारे हीरोज आ गए, ताकि भाई पेक्का डायरेक्ट भटक ना जाए एंड डायरेक्ट अंदर की साइड जाए। तो हीरोज से हम लोगों ने एक एक बिल्डिंग निकाल ली, सारे के सारे पेक्का इन बॉलर्स देखो ऊपर की साइड से आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत भटकेंगे तो एक रेज पहले वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ताकि भाई जल्दी से जल्दी खत्म करके डायरेक्ट ही यहाँ पे अपोनेंट की किंग है क्वीन है वहाँ पे आ जाए। एंड चलो भाई हो गया, थोड़े बहुत बॉलर बाहर की साइड गए है, बट कोई नहीं यहाँ पे हम लोग इसको संभाल लेंगे। तो अभी हमारे पास वार्डन की एबिलिटी है, तो हम लोगों को आई थिंक यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। बट पहले हम लोगों ने क्या किया कि दोनों एक्सबॉस को यहाँ पे फ्रीज कर दिया। एंड यहाँ अब लोग हम लोग यहाँ पे रेज डालेंगे, जैसे ही टाउन ब्लास्ट होने वाला होगा हम लोग यहाँ पे उसकी वार्डन की एबिलिटी भी यूज़ कर लेंगे। तो सारी की सारी चीज़ें देखो यहाँ पे आ गई है टाउन के ऊपर, एंड पेक्का का ये वाला हीट आएगा, एंड यहाँ पे वार्डन की एबिलिटी भी आ गई, पेक्का हमारे सर्वाइव कर गए थे। एंड चलो यहाँ पे जो रेज पड़ी थी वो रेज भी डाल दी, एक जो यहाँ पे जंप थी वो भी लेफ्ट हैंड साइड डाल दी। एंड ऊपर की साइड देखो भाई फ्लेम फिगर ने क्या ही तबाही मचाई, हम लोगों ने फर्स्ट स्टार्टिंग से किया था, दो मिनट या डेढ़ मिनट हो चुकी है, एक से डेढ़ मिनट है अभी भी हमारा फ्लेम फिंगर चल रहा है। एंड बेस भाई क्या ही खतरनाक बेस बनाया था, नीचे की साइड देख लो भाई पूरा ही टेस्ला फार्म रखा था, तो वो पेक का बहुत ही ईजिली निकाल लेगी क्योंकि उसके साथ साथ यहाँ पे बारबेरियन भी है। हम लोग सीज मशीन को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करते हैं, फ्लेम फिंगर को डिस्ट्रॉय करते हैं। यहाँ पे देख लो तीन आया हमारा सुपर होग, एंड आई थिंक जितने भी डिफेंस अभी बचे होंगे वो सुपर होग निकाल लेंगे अगर कोई डिफेंस बेस में बचा होगा तो। हाँ चलो भाई ऊपर की साइड दो यहाँ पे एक कैनन है, एक यहाँ पे सिंगल टावर इन्फर्नो है, तो देखो भाई सुपर होग ने यहाँ पे निकल दिया। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करवाना पड़ेगा, नीचे की साइड देख लो गियर अप मोटर है, बाहर की साइड है तो हम लोग फ्लेम फिंगर को वहाँ पे नहीं डाल सकते। तो हम लोग क्या करेंगे कि 9 o'clock पे हमारा वार्डन वॉक आ जाएगा, एंड ऊपर की साइड देख लो ना तो कोई एक्सबोज है उसके पास ना तो कोई मोटर है, तो हम लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं फ्लेम फिंगर को डाल के वहाँ से देख लो भाई दो आर्चर टावर है, एक यहाँ पे सीसी भी है अपोनेंट का आर्चर भी है, दो विजार्ड टावर है, तो हम लोगों को वो फ्लेम फिंगर से मिल सकती है। तो दोनों साइड जितनी भी वैल्यू चाहिए वो अगर फनरिंग हो जाती है तो हम लोगों को कोर में आ जाएगी, हम लोगों को पेक्का वो डालना पड़ेगा हमको 11 o'clock से। एंड चलो ये है पूरी प्लानिंग, देखते हैं इसका फिर अटैक। तो सबसे पहले जैसे हम लोग हर टाइम करते हैं यहाँ पे वार्डन वॉक, एक लून, सारी की सारी हीलर्स, ऊपर की साइड हम लोगों को यहाँ पे फ्लेम फिंगर एंड उसके साथ भी एक लून। तो चलो यहाँ पे हम लोगों को अभी वेट करना है कि यहाँ पे वार्डन जो है बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि भाई वो उसका डैमेज पर सेकेंड बहुत ही कम रेट है एज कम्पेयर टू आर्चर क्वीन, तो थोड़ा बहुत हम लोगों को पेशेंस भी रखना होगा ये वाली आर्मी में। एंड फ्लेम फिंगर भी थोड़ा बहुत स्लो ही यहाँ पे अटैक करता है, बट बहुत ही ओपी तरीके से यहाँ पे फनलिंग करके देता है। तो दोनों ही फनलिंग में थोड़ा बहुत हम लोगों को 30 से 40 सेकंड तक का वेट करना पड़ता है, एक मिनट भी आप लोग कर सकते हो। एंड देखो भाई यहाँ पे प्रॉपर फनलिंग हो चुकी है जितनी चाहिए थी, तो वॉल ब्रेकर आ गया, हम लोगों को बस थोड़ा बहुत यहाँ पे एक पेक्का से एक बिल्डिंग निकाल लेते हैं एंड फिर सारी की सारी चीज़ें हमारी आ गई। अभी एक और वॉल ब्रेकर था सुपर वॉल ब्रेकर, तो वो एक्सपो वाला कंपार्टमेंट ओपन करवा दिया। अभी हमारे पास दो जंप स्पेल है, तो एक जंप स्पेल हमारी यहाँ पे मल्टी टारगेट इन्फर्नो पे आ गई, रेज आ गया, हम लोगों ने यहाँ पे वार्डन की एबिलिटी भी दे दी क्योंकि भाई सारे के सारे ट्रूप्स अंदर थे एंड ईगल का भी हिट आ रहा था। तो हम लोगों के पास जो फ्रीज पहले हम लोगों को मल्टी के ऊपर यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई मल्टी जो है हमारी बॉलर्स को खा जाएगा अगर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, तो वो हम लोगों को वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। रेज पेल थी तो रेज पेल हम लोगों ने कोर में डाल दी है। भाई देखो भाई सारे के सारे ट्रूप जो वो यहाँ पे डिवाइड हो गए, हर एक कंपार्टमेंट में कोई ना कोई ट्रूप चला गया है एंड बेस में इतना कुछ कुछ मेजर भी बचा नहीं है, तो ये वाला अटैक भी हम लोगों को प्रॉपर यहाँ पे 3-star निकल के दे ही देगा, क्योंकि भाई हमारा जो फ्लेम फिंगर था वो अभी भी ऊपर से चल रहा है। तो भाई ये वाली आर्मी में मैं बोल रहा हूँ कि 100% अगर आप लोग सीसी में कुछ सीज मशीन लेके जाने वाले हो तो भाई यहाँ पे आप लोग फ्लेम फिंगर का यूज़ करो, क्योंकि भाई वो फर्स्ट में फनलिंग भी करके देगा एंड लास्ट में जितने भी बिल्डिंग बची होगी वो यहाँ पे सुपर रॉक भी निकाल के दे देगा। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप लोग सुपर को होक का यूज़ करो ही करो, आप सीसी में कुछ भी लेके जा सकते हो, यहाँ पे क्लीनिंग के लिए यति भी ले सकते हो, बस फ्लाइंग ट्रूप मत लेना क्योंकि भाई यहाँ पे बेस में अगर कोई भी एयर माइन निकल गई तो दिक्कत आ जाएगी। तो मैं बोल रहा हूँ कि सुपर होक लेके जाओ या फिर नॉर्मल होक या फिर यति लेके जाओ या फिर ड्रैगन राइडन भी आप लोग एक ले सकते हो, क्योंकि वो डायरेक्ट डिफेंस को टारगेट करेगा। एंड बस ये था पूरा वीडियो, देख लो भाई इजीली निकला है यहाँ पे भी 3-star। तो बस ये था आज के लिए, होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ ऐसे अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड पीस।